Rập. हेलो, कहाँ हैं आप? अभी एक घंटा लगेगा। एक घंटा? आप तो कहते आप जल्दी आ जाएंगे। नहीं नहीं, टाइम लगेगा सर, हमने तो जल्दी पहुंचना है। सरप्राइज देना है उसे यार। हाँ अच्छा ओके, इसका मतलब है मैं सो जाऊँ? हाँ तुम सो जाओ, मैं जब आऊँगा तो तुम्हें बता दूंगा। गुड स्लीप। ठीक है। रबिया सर क्या हुआ? उसकी गाड़ी तेज चलाओ सर। गाड़ी से तेज चलाओ और तेज चलाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, दानियाल बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, रात के इस पर खैरियत है? अंकल आप प्लीज घर जा सकते हैं, मुझे लगता है कुछ मसला हो। मसला हो गया? आप प्लीज जहाज को साथ लेके जाएगा, मुझे लगता है घर में चोर घुस आए। अच्छा अच्छा बेटा, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ। थैंक यू। प्लीज चलाओ। अंदर से शोर शराबे की आवाजें आ रही हैं, मैंने खुद अपने कान से सुनी है। मेरे पास गाड़ी की घर की चाबियां चली है। दुश्मन को नहीं पता किस कौम को लेकर आ रहा है, 8-10 तो गिरा दूंगा मैं। उसके पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। घर में चूहा आ गया। एक चूहा नहीं पकड़ा जा रहा आपसे, जंग क्या लड़ते होंगे। कहाँ गया वो? देखिए अब आप, उतर गया है कोई, क्या करे, बस वो वहां चला गया। अब्बू क्या किया आप? कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, आप लोग घर जा सकते हैं। What's going on? एक चूहा नहीं पकड़ा गया। सीरियसली? चूहा? चूहा? सारी कॉलोनी में नाक कटवा दी आप लोगों ने। भाई ऐसे जी है और बहन चूहे से डरती फिर रही है। भाई आपने चूहे का साइज देखा था? साइज से क्या होता है, है तो चूहा। चूहे में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें डर लग रहा है? क्या कहता है या क्या करता है? मुझे क्या पता क्या कहता है, अब मैं उससे बातचीत करने के लिए बैठ जाऊं, अंदाजा लगाऊं कुछ कहेगा या नहीं। फौज में अप्लाई करने वाली हो तुम, अगर उन्होंने सामने चूहा ला के रख दिया तो? चूहा क्यों ला के रखेंगे, टेस्ट लें सीधा सीधा, फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो भी, चूहों का फौज में क्या काम। ठीक है, अगली दफा मैं उनको बोलता हूँ कि लेडीज इंडक्शन से पहले उन्हें चूहा दिखाया जाए, जो चूहा देख के बेहोश हो जाए वो फौज के लिए अनफिट है। और आप तो फोन उठा लेते, आपको कॉल पे कॉल करी जा रहा था लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि सब चूहे के पीछे भाग रहे थे। बेटा मैं क्या करता, रबिया इतनी परेशान थी, मैं उसको ना बचाता। बचाने वाली बात क्या थी, वो चूहा है, वो आप लोगों से ज्यादा डर रहा होगा। तो मरदूद भाग भी तो नहीं रहा था, कभी इस सोफे के नीचे, कभी उस सोफे के नीचे, पता नहीं कहां से आ गया था। जहां से भी आया हो, जान निकाल दी आप लोगों ने मेरी, सरप्राइज देने आए थे, ये सरप्राइज दे दिया। पता है ये नवाज का कसूर है, किचन की सफाई नहीं की होगी इसलिए तो आया है चूहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान मुख्तार है। प्लीज सब्सक्राइब टू AIY डिजिटल्स यूट्यूब चैनल टू व्हाट्स इन फेहान।